नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10 और NCERT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ई विद्या चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि ये हमारा लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैथ्स के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीनोमियल्स पार्ट 1। इस पर आपको जानकारी दी जाएगी पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, किस तरह का यूसेज है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में आप हमसे जुड़ चुके हैं। और चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिस सविता ग्राहक, आप टीचर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालारपुर कुरुक्षेत्र से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी रेणु जी नमस्कार, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। जी, और मैम इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, अपने सभी स्टूडेंट से हम ये बातें शेयर करना चाहेंगे कि इन केस अगर उनके मन में कोई भी क्वेरी हो पॉलीनोमियल्स को लेकर के, या फिर कुछ वो जानना चाहते हैं पॉलीनोमियल्स के बारे में, या फिर कहीं पर इसका इस्तेमाल करते करते अटक गए हैं, तो किस तरह से आप अपने डाउट्स हमारे एक्सपर्ट से क्लियर कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800-440-559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in, और आप इन माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं अपनी सभी क्वेरीज के साथ। और इससे पहले कि हम ये सत्र शुरू करें, एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly get back to the session, जिसमें हम बात करेंगे polynomials पे। मैम हम सीधा आपके पास आते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस टॉपिक में क्या कुछ विशेष है आपके पास हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये polynomials का पार्ट फर्स्ट है, तो क्या क्या बातें हैं जो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं मैम? जी बिल्कुल रेणु जी, जैसे कि आपने बोला कि पॉलीनोमियल सेशन फर्स्ट है ये, तो पॉलीनोमियल्स एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक एकदम से ऐसा है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्लास 9th में भी हमारे व्यूअर्स ने पॉलीनोमियल्स टॉपिक के बारे में बहुत डेप्थ से पढ़ा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलीनोमियल्स विच दे हैव स्टडीड इन क्लास 9। वी विल डिफाइन कि होते क्या है पॉलीनोमियल्स, और डेफिनेशन देने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स के बारे में बात करने के बाद धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, एंड वी विल बी डिस्कसिंग सम न्यू टॉपिक्स। सो सबसे पहले व्हाट इज अ पॉलीनोमियल? अ पॉलीनोमियल इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बेसिकली इट इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और किस तरह का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये इंक्लूड करता है कुछ कॉन्स्टेंट्स को, कुछ वेरिएबल्स को, और कुछ एक्सपोनेंट्स यानी के पावर्स। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन में लिखती हूँ, आई एम राइटिंग 2x² + 3x + 5। इफ आई एम राइटिंग दिस, सो इट इज क्लियर टू अस कि यहाँ पर हम वेरिएबल देख सकते हैं, वेरिएबल इज x हेयर इन दिस एक्सप्रेशन। देयर आर सम कॉन्स्टेंट वैल्यूज लाइक 2, 3, 5, देयर इज एक्सपोनेंट एज 2। तो एक्सपोनेंट्स कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से जो भी एक्सप्रेशंस बनते हैं, इन एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे पॉलीनोमियल्स। एंड लेट अस सी के एक चीज यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? दैट द एक्सपोनेंट ऑफ एवरी वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। किसी भी वेरिएबल का जो पावर है वो आपका डेसिमल में, फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं होगा, द एक्सपोनेंट शुड बी a whole number। जैसे हमने यहाँ इस expression में भी x raised to the power लिखा है 2, which is defining a whole number। So कुछ एक polynomials हमने यहाँ पर mention भी किए हैं। Variable क्या होता है? एक बार variable को भी फिर से discuss कर लेते हैं। Variable is basically a value which we do not know earlier। जो जब तक हमें उसकी value नहीं पता, वो vary कर सकती है। जैसे इसका हम एक example लेते हैं कि मैंने अपने bag में कुछ balls रखी हैं, और वो बॉल्स कितनी है मुझे नहीं पता। मैं आपको बोलती हूँ कि देर आर सम बॉल्स इन दिस बैग, तो गेस कीजिए कि कितनी बॉल्स यहाँ पर है। तो हो सकता है आप बोले 5, 7, 3, 2, 8,
तो जब तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, दैट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, दैट इज अ वेरिएबल, और उस वेरिएबल वैल्यू को ही हम यहाँ पर सपोज करते हैं एज द वेरिएबल एक्स वाई जेड टी या कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं. तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं द वेरी फर्स्ट पॉलिनोमियल इट इज 2x plus 5. So 2x plus 5 in this polynomial we can simply see के जो power है, जो exponent है of the variable that is 1. और कितनी total terms है यहाँ पर, there are total 2 terms. तो ऐसा कोई भी polynomial which is having 2 terms exactly, इसे हम बोलते हैं binomial. This is known as binomial. अगर हम लिखते हैं only and only 3 into x raised to the power 4. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, लेकिन इसके आगे पीछे और कोई टर्म नहीं है, देयर इज ओनली सिंगल टर्म. सो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं दिस इज अ मोनोमियल, दिस इज अ मोनोमियल. और अगर किसी भी पॉलिनोमियल के पास 3 टर्म्स हैं, जैसे हम देख सकते हैं 3y² माइनस 5y प्लस 7, दिस इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल. Right now, we are discussing the types of polynomial on the basis of the number of terms. Or the next polynomial here is, it is again a trinomial. अब आप कहेंगे यहाँ तो 1 by 5 का भी use हो रहा है, यहाँ पर root 7 भी है, यहाँ पर 2 भी है, तो root 7 is there, यानी कि root है, 7 की power 1 by 2 है, but ध्यान देने वाली बात है कि 7 is not a variable. किसी भी कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शनल हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बट अगर हमारे पास अंडर रूट आ जाता एक्स के ऊपर तो हम बोलेंगे दैट एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. जैसे कि हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन को ही देख सकते हैं, इट इज 2x² प्लस रूट एक्स. सो 2x² प्लस रूट एक्स, x is a variable और variable की power जो है वो fractional form में है, 1 by 2 है, that means this is basically not a polynomial. बिल्कुल इसी तरह से अगर हम next expression को देखते हैं, हम ध्यान देते हैं, it is 5 divided by 3x minus 2. Again जो variable है वो denominator पर है, यानी कि x की power जो है वो as on numerator whole number नहीं है, so this is also not a polynomial. तो हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? जैसे कि हमने अभी बात की, जो भी वेरिएबल की पावर होगी वही होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट मीन्स किसी भी एक्सप्रेशन में, लेट मी राइट एन एक्सप्रेशन, लेट इट बी 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x³ प्लस x raised to the power 5. तो इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि x raised to the power 5, so this 5 is the largest exponent. Therefore, for this polynomial, the degree of the polynomial will be known as 5. बिल्कुल इसी तरह से, what is the degree of this polynomial? It is 1. What is the degree of this polynomial? It is undoubtedly 2. And the degree for the next polynomial, it is 3. So, डिग्री को जैसे हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे अगेन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बट ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज. पहले हमने क्या डिस्कस किया था? ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. लेट मी राइट द जनरल लीनियर पॉलिनोमियल. इट इज ax plus b, जहां पर undoubtedly a and b, both of these are representing any real numbers, and x is representing कि x की जो डिग्री है वो 1 है, x is the power 1 is here, यानी कि इस तरह का polynomial जिसकी power 1 होती है उसे हम बोलते हैं linear polynomial. So this is the linear polynomial. इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि हम mention करें कि a is not equals to 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि x का कॉफिशियंट 0 हो जाएगा. हम एक बार पुट करके देखते हैं, इफ a इक्वल्स 0 देन इट विल बिकम 0 इनटू x प्लस b व्हिच इज इक्वल्स टू b एंड व्हिच इज ओनली एंड ओनली अ कांस्टेंट.
तो इस कांस्टेंट से हमें क्या समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर b एक कांस्टेंट है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल को प्रेजेंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा लीनियर पॉलिनोमियल को प्रेजेंट? क्योंकि x की पावर 1 होना इज अ मस्ट फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट डू वी मीन बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। अगेन एक केस हम डिस्कस करेंगे, लेट इट बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू c। So this type of polynomial is known as a quadratic polynomial। Mention करना must है कि x square का जो coefficient है वो zero नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। Let us take any example for the same। Let me write minus 7x square plus 3x plus under root 2। So in this expression we can see that the degree of this polynomial is 2। Therefore it is a quadratic polynomial। इसके साथ का कॉफिशियंट जीरो नहीं है और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 5x स्क्वायर, सो 5x स्क्वायर यहां भी हम देख सकते हैं कि कोई भी कॉफिशियंट x का मेंशन नहीं है अलग से, कोई भी कांस्टेंट टर्म मेंशन नहीं है, ओनली एंड ओनली 5x स्क्वायर मेंशन है। यानी आप बोल सकते हैं इट इज 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। यानी x का कॉफिशियंट कैन बी जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म कैन बी जीरो, बट अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जीरो हो जाएगा इन दैट केस आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल नाउ। व्हाट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? एनी पॉलिनोमियल हूज डिग्री इज 3 इज नोन एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3, सो इन जनरल यू कैन री राइट इट एज ax cube plus bx square plus cx plus d। mention करना जरूरी है कि a zero नहीं है, b c and d these can be any real number। इनके लिए जरूरी नहीं है कि आप सोचें कि d की value भी other than zero ही हो सकती है और c की value भी other than zero हो सकती है। b c और d zero हो भी सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो zero ना हो। so let us proceed ahead now। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेट अस रीराइट इट एज ax क्यूब माइनस रूट 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्वार्टिक। और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है इन विच द डिग्री इज 4। अगर डिग्री 4 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Let us write an example. कुछ भी 3 into x raised to the power 4. This only is the example of a quadratic polynomial. अगर हम लिखते हैं minus 7 upon 2 x raised to the power 4 plus 5x cube minus 2x. This is also a quadratic or bi-quadratic. Alright? तो हम इसे बोलेंगे कि ये एक quadratic polynomial है. Alright? Let us proceed ahead. कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री होती है जीरो। डिग्री जीरो का मतलब है कि आपके पास डिग्री हो ही ना। कहने का मतलब है कि आई एम राइटिंग दैट पी ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल एंड इन दिस पॉलिनोमियल द वैल्यू इज 7। लेट इट बी पी ऑफ एक्स इक्वल्स minus 5. Let us write any other polynomial with variable y, I am saying let that be root 2. So यहाँ पर in every case you can see कि कोई भी variable mention नहीं है, और अगर variable mention नहीं है that means variable raised to the power 0 है, क्योंकि आपने पढ़ा है earlier classes में भी that something raised to the power 0 is always and always equals to 1. So p of x equals 7 into x raised to the power 0 or only 7, this is representing a constant polynomial। यानी अगर आपको examiner कोई भी constant value देता है, examiner is saying that root 11, this is a polynomial, what is the degree of this polynomial? So you will say that since this is a constant polynomial, therefore the degree is 0। And the next is again very important, it is 0 polynomial।
जीरो पॉलिनोमियल, अब ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल के लिए आगे हम बढ़ते हैं, एंड व्हाट अबाउट द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सोचने वाला क्वेश्चन है, सो लेट अस प्रोसीड अहेड. जीरो पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं इन विच ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये भी जीरो हो जाए, यानी आपको वेरिएबल भी नहीं दिखाई दे रहा, एंड आई एम राइटिंग p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो और f ऑफ x इक्वल्स जीरो और g ऑफ x इक्वल्स जीरो, ओनली जीरो इज देयर, सो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल. और डिग्री क्या होगी जीरो पॉलिनोमियल की, हो सकता है आप सोचेंगे कि जब कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री भी जीरो होगी, बट इट इज नॉट ट्रू. डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आप जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, आंसर विल बी जीरो, नो इश्यू. आप जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स रेज द पावर 100, इवन देन द आंसर इज जीरो. आप जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू वेरिएबल रेज टू द पावर व्हाटसोएवर, आप पावर 2, 5, 7, 9 कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल. एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज नॉट डिफाइंड. नाउ जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी तरह की ये रीडर नहीं है, पहेली नहीं है, तो अलग अलग टर्म्स हैं. जीरो पॉलिनोमियल की जब हम बात करते थे तो जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल था जिसकी वैल्यू ही जीरो है और जिसकी हम डिग्री को बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड. बट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है ये टोटली अलग टर्म है, कोई भी ऐसा रियल नंबर, लेट अस से दैट नंबर बी अल्फा, दैट इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स जीरो. लेट मी सी कि एफ एक्स, हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू. अगर हम ये कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इन दिस एक्सप्रेशन आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन. इस पॉलिनोमियल में एफ ऑफ वन का मतलब है जहां भी एक्स है, इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट द वैल्यू वन, सो इट विल बिकम वन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, एंड एज ए रिजल्ट वी आर गेटिंग टू माइनस टू विच इज जीरो. यानी एक्स की जो वैल्यू पुट करने पर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, उस वैल्यू को आप बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. सो यहाँ पर हम क्लियर कट बोल सकते हैं दैट एक्स इज इक्वल टू वन इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स. ऑल राइट, सो लेट अस प्रोसीड अहेड. अगर हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस टू, एक्स की एक डिफरेंट वैल्यू गिवन है, पहले आपने एक्स इक्वल्स वन के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी और अभी आप एक्स इक्वल्स नेगेटिव टू के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स यू विल पुट नेगेटिव टू इन प्लेस ऑफ एक्स, एंड व्हाट यू आर गेटिंग एज अ रिजल्ट, लेट अस चेक. सो we are now getting negative 2 square plus this positive sign will remain as such, it will be written as it is, and in place of x we will put the value negative 2, again negative 2. What we are getting? आपको पता है कि जब भी आप negative sign का power odd लेते हैं, in that case that will become negative 1. As a result, here the power is even. As a result, it will become positive. So it becomes positive 4, further positive negative, negative 2, and then negative 2. As a result, we are getting 4 minus 4, which is 0. यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस polynomial के पास 2 zeros हैं. X equals minus 2 भी इसकी एक 0 है. Is also a 0 of given polynomial. Now, dear viewers, किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस हो सकती हैं ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर. अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है सो एट मोस्ट द पॉलिनोमियल कैन हैव 2 जीरोस. अगर डिग्री 3 है तो एट मोस्ट 3 जीरोस. नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स वन मोर क्वेश्चन बिफोर दैट. रिमार्क्स, दीज आर द रिमार्क्स विच शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इन आर ब्रेन. हमें हमेशा ध्यान रखनी है ये बातें.
क्या है ये बातें? सबसे पहले अ लीनियर पॉलीनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी डिग्री होती है वो बताती है कि किसी पॉलीनोमियल के पास कितनी जीरोस हो सकते हैं। अगर मैं एक पॉलीनोमियल लिखती हूँ ax plus b, so इस पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होने के कारण there will be exactly 1 0. If the polynomial is quadratic, in that case at most 2 zeros will be there. In case of a cubic polynomial, at most 3 zeros. I am using the word at most. यानी कि हो सकता है कि उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जीरो है वो 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है। एक्चुअल में जीरोस 3 होती होंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि वो तीनों ही जीरोस बिल्कुल इक्वल आ जाएं। दैट मींस x = 1, x = 1, x = 1। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 जीरोस आर सेम एंड 1 इज डिफरेंट। सो वी कैन मेंशन दैट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस। एंड इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उस डिग्री से ज्यादा जीरोस वो पॉलिनोमियल नहीं रख सकता। उस पॉलिनोमियल के पास एट मोस्ट n जीरोस होनी पॉसिबल है। ऑलराइट, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल की जीरो है, इन दैट केस x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार डिस्कस करते हैं इस चीज को एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन व्हिच इज मेंशनड हियर ऑन द स्क्रीन। हमने बोला कि अगर x इक्वल्स 1, p ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करते हैं इस पॉलिनोमियल में, यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट p ऑफ 1 इक्वल्स 0 आ रहा है। यानी x इज इक्वल टू 1, दिस इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और अगर x is equal to 1 is a 0, in that case x minus 1, 1 को अगर हम left right left side पर लाते हैं right side से, so x minus 1, this will definitely be a factor of the same polynomial. Alright? So एक बार वापस इस concept को आप चाहें तो इसको factorize करके देख सकते हैं। Splitting the middle term करना हमारे viewers को आता है, and doing the same, we are getting middle term has been splitted as negative 2x, negative x, and we are able to get x minus 1 into x minus 2. So, आप clearly देख सकते हैं कि given polynomial के दो factors बन रहे हैं, जिनमें से पहला factor है x minus 1 और दूसरा factor है x minus 2. तो हमने भी यही बोला था, अगर x is equal to 1 is a 0, then x minus 1 will be a factor of given polynomial. Now let us discuss the question which is written here. What this question is? The question is if, alright. मैम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, we have only 4 more minutes left for this session, मैम. जी रेनू जी, बिल्कुल ठीक है. And after that we will start the same topic in our next session. After 3 to 4 minutes we will sum it up here today. So, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, बट द पॉलिनोमियल इज इट इज एक्स क्यूब नेगेटिव 3 kx² पॉजिटिव 3k नेगेटिव 7। और इस पॉलिनोमियल में अगर हम बात करते हैं कि k की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें गिवन है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो अगर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो आप बोल सकते हैं कि x प्लस 1 को अगर आप इक्वेट करते हैं 0 के, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लेट द पॉलिनोमियल बी p ऑफ x, इन दैट केस व्हाट p ऑफ माइनस 1 इज, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 1 हमारी पॉलिनोमियल की 0 है, तो ये अंडरस्टूड है कि p ऑफ माइनस 1 विल डेफिनेटली बी 0, बिकॉज ऑफ विच हम लिख सकते हैं नेगेटिव 1 क्यूब negative 3k into negative 1 square positive 3k negative 7, that is equals to 0. And it is negative 1 negative 3k positive 3k. अगर हम यहाँ से value निकाल सकते हैं तो definitely we will calculate that. One thing is here, the polynomial is x square minus 3kx. So let us rewrite the same. This is x square negative 3kx. Okay,
So it becomes negative 1 square becomes positive 1. Then it is positive 3k, negative 7 is equal to 0. As a result, हमारे पास एक equation आ रही है and by solving this equation, we can simply say that the value of k is 1. ठीक, इसी तरह से कुछ और questions हमारे पास आ सकते हैं जिन्हें हम easily solve कर सकते हैं and अभी हम discuss कर रहे हैं geometrical meaning of the zeros of a polynomial. यानी अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अपने पॉलिनोमियल को तो ये नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं. हम इस डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं दैट इफ y इक्वल्स p ऑफ x, यानी y इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट. y x पर डिपेंड करता है. अगर हम लिखते हैं y इक्वल्स p ऑफ x, तो अगर आपने लिखा p ऑफ x इक्वल्स 7x प्लस 2 and this is equal to y, तो y की जो वैल्यू है वो x is equal to 1 के लिए कुछ और, x is equal to 2 के लिए कुछ और, x is equal to 3, यानी कि y depend करता है value of x पर. And what do we mean by geometrical meaning? Zeros of px are the coordinates of the points, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर बोला where the graphs of y equals p of x intersect x axis. अगर मैंने यहाँ पर बोला कि ये एक straight line की equation है और if I am saying y equals ax plus b, this is a linear polynomial जिसकी graphical representation हमने with the help of this line यहाँ पर show की है. तो इस graphical representation में हम देख सकते हैं there is a point which ma'am here I would request you to please sum up ma'am. जी मैं बिल्कुल समाप्त करती हूँ मैम अभी. तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें शो करता है कि वैल्यू ऑफ y इज जीरो, यानी x की जिस भी वैल्यू के लिए y जीरो है उस पॉइंट को आप बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलीनोमियल. विद दिस ग्राफ आप देख सकते हैं देयर आर टू जीरोस, देयर आर थ्री जीरोस फॉर दिस पॉलीनोमियल. तो इट इज क्लियर कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ क्यूबिक पॉलीनोमियल एंड द फर्स्ट ग्राफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. बिल्कुल इसी तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए हम नंबर ऑफ जीरोस को गेस कर सकते हैं. आपके सामने जो भी ग्राफ होगा, जैसे अगर हमने ये ग्राफ बना दिया विच इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट फोर पॉइंट्स, सो अनडाउटेडली फोर जीरोस विल बी देयर. सो आई वुड लाइक आवर स्टूडेंट्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स इफ दे हैव एनी विद अस. थैंक यू. थैंक यू सो वेरी मच मैम सविता मैम कि आप हमसे जुड़े और आपने हमारे सभी स्टूडेंट्स को जो 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पॉलीनोमियल्स पे इतनी अच्छी जानकारी दी. डेफिनेटली हम इसके दूसरे पार्ट्स भी लाएंगे ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स को और ज़्यादा जानकारी मिले पॉलीनोमियल्स के लिए. आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम. थैंक यू सो वेरी मच. जी जी धन्यवाद. और इससे पहले कि ये सेशन मैं वाइंड अप करूं, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी एक बहुत ज़रूरी सूचना एनसीईआरटी की किताबों से संबंधित. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर द ईयर 2023-24 आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. दीज टेक्स्ट बुक्स मे बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी सेल्स काउंटर्स लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, बंगलुरु एंड कोलकाता. These sales counter will be functional on all the weekdays including all the registered holidays, Saturdays and Sundays as well from 9:30 a.m. to 6 p.m. You may also place order for the books online from our website, that is ncertbooks.ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorsteps with no delivery fees. And if you want a soft copy of the books in PDF version, it also can download it from NCERT, Diksha and E-Pathshala website and from our mobile app for free. And please visit our website, that is ncert.nic.in, to know more about the authorized vendors. With that note, me Renu Bhatt is taking your leave. पर आप सभी को हम बता दें कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे जो कि सोशल साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक रहेगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 3. अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत. नमस्कार.